Hi friends, welcome back to the Pragmatic Lopa. लोगों में पॉप्सिकल्स एक फेवरेट ट्रीट है जो ना के सिर्फ कन्वीनियंट बनाने में आसान है साथ ही अपने इररेसिस्टिबल फ्लेवर्स टेस्ट को और अच्छा कर देते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ साथ बच्चों को मजा आता है मिलके ऐसे होममेड पॉप्सिकल्स बनाने में। सुपर टेस्टी ट्रीट के लिए आप फ्रेश फ्रूट्स यूज कर सकते हैं जिसका ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू है। ऊपर से घर पे बना पॉप्सिकल्स काफी सस्ता और हेल्दी रहता है स्टोर से खरीदे गए आइसक्रीम से। और ये भी फायदा है, बिना ये चिंता किए कि आपके पॉप्सिकल्स में खराब एडिटिव्स हैं, आप कोई भी इंग्रेडिएंट्स चूज कर सकते हैं। चॉइसेस तो सिर्फ आपके इमेजिनेशन से लिमिट होगा, जितना चाहो उतना हेल्थ कॉन्शियस या इंडल्जेंट रहो। जैसा कि पिछले पॉप्सिकल वीडियो में कहा था, मैं गर्मियों के लिए और भी कलरफुल ट्रीट्स ला रही हूँ, इसीलिए आज के वीडियो में फ्रोजन ट्रीट्स के 6 वेरिएशंस शेयर करूंगी। और बिना देर किए चलिए शुरू करें। मैं वही सेम 5 स्मूदीज यूज कर रही हूँ जो आपने ऑलरेडी मेरे पिछले वीडियो में देख रखा होगा। फिर भी आज के वीडियो के खातिर जल्दी से एक रिकैप दिखाऊंगी। अगर आपको डिटेल में चाहिए बाकी के टिप्स के साथ जिसे स्मूदीज बनाना आसान होगा तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एक होलसम ऑरेंज मंडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप संतरे का जूस, आधा कप ग्रीक दही, एक फ्रोजन संतरा, आधा फ्रोजन पीच, एक श्रेडेड गाजर, आधा कप फ्रोजन पपाया। अच्छे से ब्लेंड कर दें। और रेडिएंट रेड ट्यूसडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप अनार जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा फ्रोजन बनाना, आधा कप फ्रोजन रास्पबेरीज, आधा कप फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज, एक कप वाटरमेलन। सब ब्लेंड कर दें। वेंसडे येलो ट्रॉपिकल ट्विस्ट स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप पाइनएप्पल जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा फ्रोजन केला, आधा कप फ्रोजन पाइनएप्पल, आधा कप फ्रोजन आम, आधा टीस्पून ग्रेट किया हुआ अदरक और ब्लेंड कर दें। पर्पल वेरी बेरी थर्सडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा कप क्रैनबेरी जूस, आधा कप ग्रीक दही, आधा जमा हुआ केला, आधा कप फ्रोजन ब्लैकबेरीज, एक जमा हुआ प्लम, एक कप जमा ब्लूबेरीज और ब्लेंड कर दें। क्लीन और ग्रीन फ्राइडे स्मूदी के लिए आपको चाहिए आधा लाइम या लेमन जूस, आधा कप ग्रीक दही, एक अवोकाडो, आधा जमा हुआ ग्रीन एप्पल, आधा कप जमा हुआ कीवी, आधा जमा हुआ केला, मुट्ठी भर ग्रीन्स, यहाँ केल, पालक और पुदीना पत्ता है। अच्छे से ब्लेंड कर दें। एक बार इन सारे स्मूदी से आधा कप निकालने पर जो भी शुगर आपके डाइट को सूट करे वैसा चूज करें, जैसे व्हाइट, ब्राउन या कोकोनट, शहद, मेपल सिरप या अगावे या फिर स्टीविया। क्योंकि स्मूदी बनाते वक्त कोई शुगर का इस्तेमाल नहीं किया और डेयरी जैसे दही यूज किया है, मैं रेकमेंड करूंगी पॉप्सिकल बनाने के लिए शुगर जरूर ऐड करें अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इससे आइस क्रिस्टल जैसे पत्थर की तरह ना फ्रीज होके स्मूथ फ्रीज होगा। इन सब में से यहाँ 1 टीस्पून शुगर यूज किया है। आप आसानी से कोई भी पॉप्सिकल मोल्ड ले सकते हैं, लोकल स्टोर से या ऑनलाइन खरीदें। ये अमेज़न से लिया है जो इसको लैप्सिबल सिलिकॉन फनल के साथ आता है, आसान और मैस फ्री पॉप्सिकल बनाने के लिए। पर मैं ये लिड्स यूज नहीं करके ये पॉप्सिकल स्टिक्स यूज करूंगी। ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एक लेयर पॉप्सिकल के लिए ध्यान से एक के बाद एक स्मूदीज लेयर करें, या तो स्पून या फनल से। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, 2 स्मूदीज को सेपरेट करते हुए एक स्पष्ट लाइन ना मिले, वैसे भी फर्क क्या पड़ता है जब तक ये हेल्दी और डिलीशियस हो। फिर भी अगर आप और भी निश्चित लाइन चाहते हैं तो अगला पॉप्सिकल आपके लिए है। अंत में पॉप्सिकल स्टिक डालें, मैक्सिमम एयर पॉकेट्स हटाने के लिए टैप करें और 5 से 6 घंटे या रात भर के लिए फ्रीज करें। अब 2 लेयर्स के बीच ज्यादा स्पष्ट पार्टीशन लाइन के लिए पहले एक स्मूदी डालने पर उसे सेट करने के लिए 20 से 30 मिनट फ्रीज करें।
दूसरे स्मूदीज के साथ भी यही सेम प्रोसेस दोहराएं। ध्यान रखें, दूसरे लेयर पे काम करते हुए पॉप्सिकल स्टिक डालें, वरना सारी लेयर्स फ्रीज होने पर सब में से डालने में मुश्किल होगा। एयर पॉकेट्स हटाने के लिए टैप करें और 5 से 6 घंटे या रात भर फ्रीज करें। एक रिपल या वेव पॉप्सिकल के लिए पहले मोल्ड में स्मूदीज के सारे लेयर्स फिल करें। लेयर्स के बीच स्पष्ट पार्टीशन लाइन मेंटेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी बाद में मैं स्पून के हैंडल, आप चाहें तो जो भी किचन में अवेलेबल हो वो यूज करें, इस तरह एक वेव या रिपल इफेक्ट देने के लिए। एयर बबल्स हटाने के लिए टैप करें, पॉप्सिकल स्टिक इंसर्ट करें और 5 से 6 घंटे या रात भर फ्रीज करें। ज्यादा फ्रूटी किक के लिए मैंने सारे वो फ्रूट्स यूज किए जो मैंने स्मूदीज बनाने के लिए यूज किया था, और उन्हें चॉप कर दें। हर स्मूदी का 2 टेबलस्पून उसी के चॉप फ्रूट्स में अच्छे से मिलाएं। एक के बाद एक सारे स्मूदीज एक साथ लेयर कर दें। टैप करें मैक्सिमम एयर बबल्स हटाने के लिए, पॉप्सिकल स्टिक इंसर्ट करें और 5 से 6 घंटे या रात भर फ्रीज करें। अब ये सारे चॉकलेट लवर्स के लिए, मैंने दोनों डार्क और व्हाइट चोको चिप्स के 2 टेबलस्पून लिया। आप जो भी अवेलेबल या पसंद करते हैं वो लें, इसे ज्यादा या कम क्वांटिटी में। मैं दोनों को अल्टरनेट करूंगी, इसीलिए लगभग बराबर के 5 हिस्से कर दें और हर स्मूदी के 2 टेबलस्पून में मिला दें। पहले की तरह एक के बाद एक लेयर कर दें, हर लेयर के बाद अच्छे से टैप कर दें और अंत में पॉप्सिकल स्टिक इंसर्ट कर दें और रात भर या 5 से 6 घंटों के लिए फ्रीज करें। एक कोकोनट फ्लेवर के लिए या तो शक्कर की चाशनी यूज कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून शक्कर में कुछ पानी के बूंदों से, जिससे 4 टेबलस्पून कोकोनट फ्लेक्स चिपक जाएं। इस चाशनी को मोल्ड में डालें और अच्छे से फैला दें, एक्सेस को निकाल दें। इसे कोकोनट फ्लेक्स अच्छे से चिपकेगा एक अलग सा बाहरी सफेद कोट देने के लिए। अगर ये सब ना करना चाहे तो सिंपली कोकोनट फ्लेक्स को हर स्मूदी में मिला दें लेयरिंग करने से पहले। अब हर स्मूदी से लेयर कर दें और दोनों लेयर्स के बीच भी फ्लेक्स से भर दें। यही सेम प्रोसेस हर स्मूदीज के साथ दोहराएं। एयर बबल्स हटाने के लिए टैप करें और पॉप्सिकल स्टिक इंसर्ट करके 5 से 6 घंटे या रात भर फ्रीज करने रख दें। सारे पॉप्सिकल्स पूरी तरह फ्रीज होके सेट होने पर उसे मोल्ड से जल्दी निकालने के लिए या तो पानी में डिप करें 15 से 20 सेकंड्स के लिए और आसान रिलीज के लिए थोड़ा ट्विस्ट करें, या तो सिंपली मोल्ड्स को बाहर 1 से 2 मिनट के लिए रखें, लिड ट्विस्ट करके एंजॉय करें आपका अपना होममेड पॉप्सिकल। आशा है आप डेफिनेटली इन कूल ट्रीट्स को ट्राई करेंगे ये गर्मियां एंजॉय करने के लिए। घर बैठे बिना ज्यादा मेहनत किए एक्सपीरियंस करें रेनबो फ्लेवर पॉप्सिकल्स और अपने आप को पोषित करें यमी वेजीज और फ्रूट से। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो एक छोटा सा थम्स अप अप्रिशिएट करूंगी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर के कोई हेल्दी यमीनेस ना मिस करें। नीचे के कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कोई टिप्स और ट्रिक्स हैं। अगर और ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे सोशल साइट्स और ऑफिशियल फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू इसे देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।